क्या आपने कभी ड्रेन में मछली को तैरते हुए देखा है? विजुअल एक्यूटी 6x6 इसका मतलब क्या है? क्या सच में ऊँट का हम्प में पानी भरा हुआ होता है? तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही कुछ मिथ्स को क्लियर करने एक्सप्लोरिंग फैक्ट्स आ गया है एक नई वीडियो लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10। नंबर 1 से लेकर नंबर 999 तक आप सभी नंबर को अगर गौर से देखेंगे तो किसी नंबर पर आप ये लेटर को नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर आप 1000 नंबर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ये लेटर आता है, क्योंकि 1000 का स्पेलिंग है THOUSANDतो अगर ये फैक्ट आप बिलीव नहीं करते देन यू कैन ट्राई इट। फैक्ट नंबर 9। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए। ये मछली पेरू के गलापागोस आइलैंड में पाई जाती है। तो इस तस्वीर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसकी होंठ आम मछली की तरह नहीं है। इसकी होंठ को देख के लगता है कि इसकी होंठ में लाल रंग का लिपस्टिक लगा हुआ है। तो यही इस मछली का खासियत है। और हाँ, और एक खासियत इस मछली का है, इसका फिन बहुत सख्त होने के कारण समुंदर की ज़मीन पे आराम से ये इधर उधर चल सकता है। फैक्ट नंबर 8। ऊँट की हम्प पे कभी भी पानी स्टोर नहीं होता। एक्चुअली उसके हम्प पे फैट स्टोर रहता है। जब ऊँट को कोई खाना नहीं मिलता तो उसकी बॉडी के पोषण के लिए वो फैट यूज़ होता है, और बाद में जब ऊँट को खाना और रेस्ट मिलता है तो उसी फैट फिर से उसके हम पर जमा हो जाती है। लेकिन हाँ, ऊँट अपने बॉडी पे पानी स्टोर कर सकता है लेकिन हम पे नहीं। ऊँट जब पानी पीता है तो 20 गैलन तक पानी उसकी ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है और बाद में और उसी पानी को वो यूटिलाइज करता है। फैक्ट नंबर 7। टपीर नाम का स्तनपाई जीव को जंगल का गार्डनर कहा जाता है, क्योंकि जब ये किसी भी फल को खाता है तब उसका बीज को डायरेक्टली निगल जाता है। और ये जीव जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब इसकी सोच के द्वारा ये बीज डायरेक्टली ज़मीन पर गिर जाता है, और इसी वजह से इस बीज से लाखों पेड़ का जन्म होता है, और इसीलिए इस जीव को हाथी की तरह जंगल का गार्डनर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6। हम लोग जब टाइम देखते हैं तब 6 o'clock, 7 o'clock ऐसा फ्रेज हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्रेज आया कहाँ से? 16th या 17th century में जब कोई क्लॉक इन्वेंट नहीं हुआ था तो सभी लोग सूरज को एज ए रेफरेंस पॉइंट देखते थे। तो वो लोग टाइम देखने के लिए 6 of the clock, 7 of the clock ये फ्रेज यूज़ करते थे। लेकिन तभी किसी ने इस फ्रेज को मरोड़ के बोल दिया 6 o'clock, 7 o'clock, और ये फ्रेज ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण तभी से ये फ्रेज ऐसे ही मरोड़ के यूज़ किया जा रहा है, और आज भी ये फ्रेज ऐसे ही यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, इसी वजह से हम लोग ये फ्रेज को ऐसे 6 o'clock कहते हैं। फैक्ट नंबर 5। जब कोई जहाज़ दक्षिण प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो से पास करता है तब उस जहाज़ का ज़मीन से डिस्टेंस होता है 2688 किलोमीटर। तो इसको अगर आप और एक एंगल से देखेंगे कि इस शिप से जो बंदा सबसे करीब रहता है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब आसमान में
जो ISS रहता है उसमें जो बंदा 400 किलोमीटर ऊपर रहता है वो ही उस शिप से करीब रहता है। फैक्ट नंबर 4, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए। ये पिक्चर जापान का सिमाबारा शहर का ड्रेन की है जहाँ पर रंगीन मछलियाँ तैरती हैं, और दूसरी तरफ हमारी इंडिया का ये ड्रेन का पिक्चर है जिसके पास से अब जा भी नहीं सकते। तो जापान का इस शहर का ड्रेन का पानी इतने ज़्यादा साफ है कि इसमें रंगीन मछलियाँ रहता है। तो इस फैक्ट के द्वारा हम किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक बार नॉक करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 3, विजुअल एक्विटी 6/6। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का दृष्टि शक्ति 6/6 है तो वो एक नॉर्मल बंदे की तरह 6 मीटर यानी कि 20 फीट तक आसानी से देख सकते। फैक्ट नंबर 2, जापान की लेटेस्ट शिंकानसन 500 बुलेट ट्रेन की सामने की डिज़ाइन इंजीनियर्स ने एक किंगफिशर की होंठ की तरह बनाया है। तो इसकी पीछे का कारण यह है कि जब वो बुलेट ट्रेन किसी टनल से गुजरे तब हवा की तेज दबाव को ये झेल सके, इसीलिए इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों अगर आप केले और हरा टमाटर को एक साथ एक ही कंटेनर में रखेंगे तो कुछ ही दिन बाद वो टमाटर पक जाएगा। जैसे आर्टिफिशियली किसी फल को पकाने के लिए इथिलीन गैस का यूज़ होता है, उसी तरह से केले से भी इथिलीन गैस निकलता है जो उस टमाटर को पका देगा। सो सब्सक्राइब कीजिएगा एक्सप्लोरिंग फैक्ट्स चैनल को, बिकॉज वी बिलीव इन शेयरिंग नॉलेज। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में किसी भी फैक्ट्स को सजेस्ट कर सकते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में यूज़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।